अगर कोई खातून तलाक याफ्ता हो जाए और वो जन्नत में चली जाए और तलाक के बाद उन्होंने शादी ना की हो, तो फिर ऐसी खातून के साथ क्या मामला होगा? जो औरतें जन्नत में दाखिल होंगी, वो अपने दुनियावी शोहरों की बीवियां बनेंगी, ना सिर्फ बीवियां बल्कि हूरों की सरदार भी होंगी। यहाँ ये बात काबिले गौर है कि इन मर्दों का भी जन्नत में जाना जरूरी है। अगर इनके शोहर जन्नत में नहीं दाखिल होते, तो फिर अल्लाह ताला इन औरतों की मर्जी के मुताबिक जन्नत के किसी और मर्द के साथ इनका निकाह कर दिया जाएगा। अगर एक औरत ने दुनिया में एक से ज़ायद मर्दों से शादी की है और वो सारे मर्द जन्नती हैं, तो इस औरत को इख्तियार होगा कि वो इनमें से जिससे चाहे शादी कर ले, या इनमें से किसी एक का इंतखाब अपनी मर्जी से कर ले। ये फितरत अलाही है कि एक औरत एक मर्द की बीवी बन सकती है, बैक वक्त दो मर्दों की बीवी नहीं बन सकती। फितरत अलाही का ये कायदा जन्नत में भी चलेगा कि एक मर्द कई बीवियां और हूरें अपने निकाह में रख सकेगा, लेकिन एक औरत एक से ज़ायद किसी मर्द के साथ शादी नहीं कर सकेगी। इस हवाले से एक रिवायत में इब्ने कसीर ने नकल किया है, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बाज़ औरतें दुनिया में दो तीन या चार शोहरों से यके बाद दीगरे निकाह करती हैं और मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाती हैं, वो सारे मर्द भी जन्नत में चले जाते हैं, तो उनमें से कौन सा इसका शोहर होगा? इनके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, वो औरत इन मर्दों में से किसी एक का इंतखाब करेगी और वो अच्छे इखलाक वाले मर्द को पसंद करेगी। अल्लाह ताला से गुजारिश करेगी, ए मेरे रब, ये मर्द दुनिया में मेरे साथ सबसे ज्यादा इखलाक से पेश आया, लिहाजा इसे मेरे साथ ब्याह दे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।